लोगों की जीवन शैली और बालों का झड़ना आजकल लोगों के लिए एक आम समस्या बन गई है। महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई प्रदूषण, तनाव या खराब लाइफस्टाइल की वजह से बाल झड़ने की समस्या से परेशान है। इसके और भी कई कारण हैं, लंबी बीमारी, शारीरिक व मानसिक तनाव, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स या पोषण में किसी भी चीज की कमी होना, डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही कई लोगों में ऐसा हेरिडिटरी भी होता है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। किन बातों का ध्यान रखें? महिलाएं बालों को ज्यादा कसकर ना बांधें, ऐसा करने से बाल ज्यादा टूट सकते हैं। कंघी को साफ रखें, बाहर निकलते समय धूप में सिर को ढक लें, इससे आपके बाल सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से बचे रहेंगे। अपने बालों पर बार बार हाथ ना फेरें, बालों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से बाल रूखे, बेजान और खराब हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है तनाव या चिंता से दूर रहना, योग करना या ध्यान लगाना। क्या करें? आंवला, आंवला में विटामिन सी होता है, इसका उपयोग करने से बाल प्राकृतिक रूप से और तेजी से बढ़ते हैं। हीना और मेथी पाउडर, इस पाउडर के पेस्ट को बालों में लगा लें, सूखने के बाद बालों को सादे और साफ पानी से धोएं। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से बालों का झड़ना कम होता है। नींबू और नारियल, नींबू के रस में रस की मात्रा से डबल नारियल का तेल मिलाकर अंगुलियों से सिर की त्वचा पर धीरे धीरे मालिश करें, इससे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। प्याज का रस, इसमें मौजूद सल्फर कंटेंट ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर बालों की ग्रोथ करने में मदद करता है। करी पत्ता, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, यह बालों को मजबूती देते हैं और उनका झड़ना कम करते हैं। करी पत्ते लेकर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर थोड़ी देर गर्म करें, ठंडा होने पर इस मिश्रण को अपने बालों और सिर पर लगाएं और मसाज करें, इससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी।